नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी हलचल। स्वागत है आप सबका, मैं ममता तिवारी और लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी, आपके सितारों से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबर। एंड जो सबसे ज्यादा हलचल मचाए हुए हैं वो है खेसारी लाल यादव, क्योंकि इनकी कमाई की हाल ही में सूत्रों के अनुसार हमें खबर मिली है कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कलाकार खेसारी लाल बन गए हैं। एक साल में इनकी कमाई करोड़ों के आंकड़े पहुंच जाती है आराम से। और इनसे जुड़ी कुछ खास खबर है जो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली जो खबर है वो जुड़ी है पवन सिंह से। सुबह ही पवन सिंह का जब आप लोग उठे होंगे, आपने जब सर्च किया होगा पवन सिंह से जुड़े गाने देखने के लिए, तो आपको दो दो गाने देखने को मिले होंगे। एक उनका भक्तिमय गीत है देवी गीत, और दूसरा उनकी फिल्म का गाना है महोदय मरद, जिसे आप लोगों ने सुन लिया होगा। ये गाना पहले रिलीज हुआ, एक घंटे बाद डिलीट हुआ और दोबारा जी म्यूजिक भोजपुरी पर इसे रिलीज किया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। फिल्म शेर सिंह से जुड़ा ये गाना है, ऑडियो सॉन्ग के रूप में रिलीज हुआ है, पवन सिंह ने ही अपनी आवाज दी है। अगली जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो जुड़ी है एक ऐसे जोड़ी से जो इन दिनों हलचल मचाए हुए है। इनके अफेयर्स के जो खबरें हैं उड़ती उड़ती हर जगह फैल चुकी हैं और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। ये जोड़ी कोई और नहीं बल्कि अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह की है। दोनों को एक साथ काफी बार एक जगह देखा जाता है, दोनों को एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करता हुआ देखा जाता है। हाल ही में यामिनी सिंह फिर से अरविंद अकेला कल्लू को सपोर्ट करती नजर आई जब विजेता फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, तो यामिनी सिंह ने लाइव आकर अपने फैन से गुजारिश की कि इस ट्रेलर को ज़रूर देखें। क्या कुछ कहा है इस फिल्म की तारीफ में यामिनी सिंह ने, ये भी बताएंगे। और अगली जो खबर बताने जा रहे हैं वो सुनने के बाद शायद आपको हैरानी हो, क्योंकि प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म में आपको काजल राघवानी देखने को मिल सकते हैं। लीड रोल के तौर पर नहीं, लेकिन एक प्रमोशनल सॉन्ग में काजल राघवानी नजर आएंगी, जिस फिल्म का नाम है विवाह। प्रदीप सिंह ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के पोस्टर अब सामने आने लगे हैं, जिससे ये भी साफ है कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के काम को भी पूरा कर लिया गया है। फिल्म की शूटिंग काफी समय पहले ही पूरी कर ली गई थी। आकांक्षा अवस्थी, संचिता बनर्जी, प्रदीप पांडे चिंटू इस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म के पोस्टर तो सामने आने लगे हैं, लेकिन बहुत जल्द इस फिल्म का ट्रेलर भी आप लोगों के बीच आएगा। इस बात की जानकारी खुद प्रदीप सिंह राजपूत ने दी है। फिलहाल जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो काजल राघवानी से जुड़ी खबर है। क्या है पूरी खबर देखिए। भोजपुरी सिनेमा में बनने वाली फिल्मों को बेशक से मल्टीप्लेक्स सिनेमा सेंटर ना मिल पाते हों, लेकिन सिनेमा घरों में ही और लोकल सिनेमा घरों में ही रिलीज होने के बावजूद ये फिल्म अपने बजट से दुगनी कमाई कर लेती है। यही कारण है कि फिल्मों में काम करने वाले कलाकार फिल्म मेकर से अच्छी खासी फीस वसूलते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली की लिस्ट में अभी तक सिर्फ तीन ही कलाकार शुमार हैं, जिनमें एक पवन सिंह हैं, निरहुआ हैं और तीसरे हैं खेसारी। फिल्मों के अलावा स्टेज शो और गानों से भी ये कलाकार अपनी कमाई को आसानी से दुगना कर लेते हैं। 2019 में अगर सबसे ज़्यादा कमाई की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कलाकार खेसारी बन चुके हैं, और ये सब खेसारी की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता के कारण संभव हुआ है। खेसारी ना सिर्फ स्टेज शो की फीस बढ़ा चुके हैं, बल्कि फिल्मों में भी खेसारी अब ज़्यादा फीस लेते हैं, क्योंकि अब खेसारी चुनिंदा फिल्में ही करते हैं जिनके हिट होने की संभावना हो। यही कारण है कि बिना कुछ सोचे फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में खेसारी को लेना चाहते हैं। पिछले कुछ समय से खेसारी की फिल्मों पर बेस्ट फिल्म और कंसेप्ट का टैग लग चुका है। हालांकि इन फिल्मी स्टारों की फीस का खुलासा कभी नहीं हो पाता, लेकिन सूत्रों और अनुमान के अनुसार हम आपको आंकड़े जरूर बताएंगे। खेसारी लाल दरअसल पहले एक फिल्म के लिए 30 से 35 लाख रुपए चार्ज किया करते थे, लेकिन अब खेसारी एक फिल्म के 45 से 50 लाख रुपए चार्ज करने लगे हैं। साथ ही स्टेज शो के लिए खेसारी 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं। अगर किसी कल्याणकारी इवेंट में खेसारी को निमंत्रण दिया जाए तो 10 लाख से कम नहीं लेते। अपने गानों को YouTube पर हिट होने के बाद भी खेसारी अच्छी कमाई हासिल कर लेते हैं। हर त्योहार में उनके 8 से 10 गाने रिलीज होना तय माने जाते हैं, जिससे अच्छे खासे व्यूज हासिल भी होते हैं। इस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि एक साल में खेसारी की कमाई करोड़ों में आसानी से हो जाती होगी। और यही कारण है कि खेसारी ने गाँव में हाल ही में एक नया घर बनवाया और नई नई गाड़ियों और बाइकों का शौक भी पूरा करते हैं। हाल ही में बिहार में आए बाढ़ में खेसारी ने सबसे ज्यादा चैरिटी भी की थी।
भोजपुरी फिल्म के बेहतरीन कलाकार और गायकी के शहंशाह माने जाने वाले पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह का ये गाना महोदय मरजी रिलीज़ होने के एक घंटे बाद किसी कारणवश डिलीट कर दिया गया। एक घंटे में इस गाने को कई लोगों ने अलग अलग चैनल पर शेयर कर दिया था। इस गाने के अच्छे खासे व्यूज़ होने के बाद इसे डिलीट कर दिया गया, लेकिन पवन के फैंस को मायूस और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवन सिंह का एक देवी गीत आज ही रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें पवन ने आरा के दशहरे मेले की तारीफ की है, साथ ही अपनी साली सोनाली का नाम भी लिया है। दर्शक इस गाने को काफी पसंद कर रहे हैं। गाने के बोल हैं आरा के दशहरा, जिसे पवन सिंह ने अपनी आवाज में गाया है। इस गाने को लिखा है आजाद सिंह और श्याम देहाती ने और संगीत दिया है श्याम आजाद ने। इस गाने को हमारे खबर लिखने तक 18 घंटे में 90,000 से ज्यादा लोगों ने सुन लिया है। अगर आपने नहीं सुना तो जरूर सुनिए, कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। भोजपुरी सिनेमा के युवा कलाकार और गायक अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह ने एक साथ काफी सारी फिल्में शूट कर ली हैं, जो एक के बाद एक अब रिलीज होने लगी हैं। हाल ही में इन दोनों की फिल्म पत्थर के सनम को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इसके बाद यामिनी सिंह की फिल्म लल्लू की लैला अभी तक सिनेमा घरों में छाई हुई है। अब बहुत जल्द आप यामिनी सिंह की तीसरी फिल्म भी देख पाएंगे, जिसका नाम है छलिया। फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होगी 18 अक्टूबर को, यानी आपको थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है। 18 अक्टूबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। इस बात की जानकारी खुद यामिनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दे दी है। फिल्म से पहले आप लोग जल्द ही इस फिल्म का ट्रेलर भी YouTube पर देख पाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यामिनी सिंह फिर से अरविंद अकेला कल्लू के साथ एक नई फिल्म की शूटिंग कर रही है। इसके साथ ही आप लोग अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म विजेता का ट्रेलर सोशल मीडिया पर आसानी से देख सकते हैं। बॉलीवुड की बेहद पारिवारिक फिल्म विवाह को अभी भी टेलीविज़न पर देखना आप लोग नहीं छोड़ते होंगे। इस फिल्म को कोई भी अपने परिवार के साथ आसानी से देख सकता है। इस तरह की फिल्में बेशक से बॉलीवुड में आप कम देखने को मिलती हों, लेकिन भोजपुरी में ऐसी फिल्में बनने की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में विवाह नाम की ही एक भोजपुरी फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रदीप सिंह। हालांकि इस फिल्म की कहानी बॉलीवुड फिल्म से अलग है, लेकिन नाम बिल्कुल मिलता जुलता है। प्रदीप सिंह द्वारा निर्मित भोजपुरी फिल्म विवाह पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसका पोस्ट प्रोडक्शन भी पूरा कर लिया गया है। इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू लीड रोल में नजर आएंगे और उनके अपोजिट दिखाई देंगी दो हीरोइनें संचिता बनर्जी और आकांक्षा अवस्थी। इस फिल्म का पोस्टर भी सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है आज ही, और इस पोस्टर में काजल राघवानी जब नजर आई तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे काजल राघवानी खेसारी की हीरोइन है और इन दिनों चिंटू और खेसारी में जमकर विवाद चल रहा है। हालांकि इस फिल्म में काजल राघवानी ने सिर्फ एक प्रमोशनल सॉन्ग ही किया है। फिल्म जल्द ही आप लोगों के बीच रिलीज भी कर दी जाएगी, इस बात की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। उम्मीद है सारी खबरों का अनुमान और जानकारी आपको विस्तार पूर्वक मिल गई होगी। तो इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर से लेकर हाजिर होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरें लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।